Hello students, myself is Suman. Welcome to my YouTube channel study with Suman. In this video, I am going to take class 7 English supplementary book and alien hands of NCRT pattern. Today we will read chapter number 4, The Cope and the Anthem. Dear students, in a previous video, I started this lesson and in this video.

उसने निश्चय किया संकल्प किया कि अब वो फिर दोबारा से नई कोशिश करेगा अ हैंड ऑन हिज आर्म तब उसे अचानक ही अपने बाजू पर एक हाथ महसूस हुआ किसने उस पर हाथ रखा था टर्न्स अराउंड टू सी ब्रॉड फेस ऑफ अप सोपी जो था वो मुड़ा मुड़ता है किसकी तरफ उस क्या देखता है वो कि उस एक सामने एक चेहरे वाला एक सिपाही खड़ा है सो स्टूडेंट्स कंटिन्यू दिस तेन ही केम टू अनदर कॉप स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ बिग थिएटर तब वह एक बड़े थिएटर के सामने खड़े हुए दूसरे सिपाही के पास आया ही थॉट समथिंग एल्स टू ट्राई उसने यह किया उसने कुछ और ही करने का सोचा था ही बिगेन टू शाआउ एज हिफ ही है उसने चिल्लाना शुरू कर दिया जैसे उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक रखी हो शराबी रखी हो हिज वॉइस वॉज एज लाउड एज मेक इट उसने इतनी ऊंची आवाज़ निकाली इतनी ऊंची ज़ोर से चिल्लाया जितनी ऊंचा चिल्ला सकता था हि डांस उसने डांस किया वो नाचा ही क्राउड आउट वो जोर जोर से चिल्लाया एंड द कॉप टर्न इज़ बैक टू सोपी अब देखो चिल्ला रहा है तो मशहूर हो रहा है लेकिन पुलिस मैन ने क्या किया पुलिस मैन जो था उसने सोपी की तरफ अपनी पीट कर ली एंड सेट टू अ मैन एनी नियर हिम और इस कॉप से पुलिस मैन ने अपने पास खड़े हुए आदमी से कहा इट्स वन ऑफ़ दोज कॉलेज बॉयज़ यह उन्हीं कॉलेज के लड़कों में से एक है ही वोट हॉट एनी थिंग वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएगा वी हैव ऑर्डर्स टू लेट दम शॉट हमें आदेश मिले हैं कि उन्हें चिल्लाने दिया जाए उन्हें शोर मचाने दिया जाए सोपी वॉज क्वाइट अभी तक सुन लें सपीरे तो चुप था कोप गोइंग टच हिम क्या कोई भी पुलिस में उसे छूने नहीं वाला था या उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था ही हे टू थिंक ऑफ द आईलैंड एज ए फिट वर् एज फार अवे एज अ स्टार तो अभी क्या हुआ थिंक ऑफ आइलैंड उसने उस जीप के बारे में सोचना शुरू कर दिया क्योंकि वो उसके लिए ऐसे हो गया था जैसे कि एक तारा जो था ज़मीन से दूर था उसे कहा से वो आइलैंड जो था वो जो प्रिजन थी वो सोपी से दूर होती जा रही थी हे पोल्ड हिस्थिन कोट अराउंड पतला कोट पहना हुआ था उसने बहुत ज्यादा कस के अपनी तरफ लपेट दिया दिन वॉज वेरी कोल्ड हवा बहुत ठंडी थी विंटर था मैन इन शो बागे तब उसने एक दुकान में एक आदमी को एक व्यक्ति को न्यूज पेपर या खबर खरीदते हुए देखा द मैन स्ट्रीट वो जो मैन था उसका छाता जो था वो दरवाजे के पास था सोपी द शॉप सोपी शॉप के अंदर गया टूक दम्ब्रेला अम्ब्रेला उठाई एंड वॉक स्लोली अवे और धीरे धीरे चलता गया द मैन फॉलोड हिम क्विकली आप साथ में देख रहे हो सो so, तो आदमी जल्दी से उसके पीछे गया माई अम्ब्रेला ही सेट उसने कहा ये मेरा चाहता है ओह इज इट सेट सोपी वाई डोंट यू कॉल द कॉप अच्छा क्या यह है सोपी ने कहा कि आप पुलिस मैन को क्यों नहीं बुलाते आई एडवोकेट मैंने इसे लिया है योर अम्ब्रेला आपके साथ लिया है वाई डोंट यू कॉल अ कॉप आप किसी पुलिस मैन को क्यों नहीं बुलाते देर इज वन स्टैंडिंग एट द कॉर्नर वहाँ एक पुलिस वाला कॉर्नर पर खड़ा है द मैन वॉकड मोर स्लोली अब क्या वो आदमी और ज़्यादा स्लोली यानी कि धीरे चलने लगा सोफी तो सेम सोपी भी आराम से चलने लगा बट ही हैड अ फीलिंग दैट ही वाज गोइंग टू फेल अगेन लेकिन उसे एहसास हो रहा था कि वो फिर दोबारा से फेल होने जा रहा था फिर दोबारा से उसकी जो ट्रिक थी जो उसके प्लान था वो काम नहीं आया द कोप लुकड एट द टू मैन अब उस सिपाहियों ने वहाँ जो सिपाही खड़ा था उसने इन दोनों आदमियों की तरफ देखा सोपी और वो जो दूसरा व्यक्ति था जिसके पास अम्ब्रेला था उसकी तरफ देखा आई सैर अमरीला That दैट इज़ यू नो हाउ things happen. अब जिसके पास वो चाहता था पहले तो मेरा मैं उसने कहा कि मैं जैसे कि आप जानते हो ये चीज़ें होती रहती हैं मैंने सोर अम्बरीला यदि आप कहाँ चाहता है अम्बर सॉरी मुझे कृपया माफ़ कर दीजिए आई फॉन्ट दिस मॉर्निंग इन द रेस्टोरेंट मुझे ये आज सुबह एक रेस्टोरेंट में मिला इफ़ यू से इट्स योर्स यदि आप कहते हो कि आपका है आई होप यू विल ठीक है तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ही होगा इट्स माइड सोपी विद एंग वॉइस अपनी आवाज़ में बहुत गुस्से से सोपी चलाया क्या ये मेरा है द मैन हर्ड अवे हर्ड अवे मतलब वहाँ से वो अम्बिला मैन जो था वो व्यक्ति से जाता था वो वहाँ से जल्दी से चला गया द कोप हेल्प आ लेडी अक्रॉस द स्ट्रीट अब उस जहां वो स्ट्रीट में जहाँ वो खड़े थे वहाँ पर पुलिस मैन ने एक लेडी की पार करने में हेल्प की सोपी वॉक ईस्ट सो भी जो था ईस्ट डॉ की तरफ इनकी पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा ही थ्रू द अम्ब्रेला एज फार एज दे गो थ्रू इट उसने वो छाता पूरे जोर से जितनी दूर फेंक सकता था उसे फेंक दिया ही टॉक टू हिमसेल्फ अबाउट कॉप्स एंड वॉट ही था उसने क्या किया है सिपाहियों के बारे में पुलिसमैन के बारे में और उनके बारे में जो भी वो जानता था उसके बारे में उसने स्वयं जिनके अपने आप से बातें करने लगा बिकॉज टू बी क्योंकि वो गिरफ्तार होना चाहता था दे सीम टू बिलीव ही नो रोंग जबकि वो जो कॉप से वो से सोच रहे थे कि वो जो व्यक्ति है सोपी है वो एक राजा के समान था जो कभी भी गलती नहीं कर सकता था एट लास्ट अंत में सोपी केम टू वन ऑफ द क्वाइट स्ट्रीट ऑन द साइड ऑफ द सिटी अंत में सोपी और शहर की शांत गलियों में से एक सड़क पर आया टर्न हेयर एंड बिगेन टू वॉक साउथ टूवर्ड मेडिसन स्क्वेयर ठीक है तो वह मुड़ा टर्न और मेडिसन स्क्वायर की ओर जाने वाले की ओर दक्षिण दिशा में यानी कि साउथ है ना तो मेडिसन स्क्वेयर की तरफ दक्षिण दिशा में चल पड़ा ही वॉज गोइंग होम वो घर जा रहा था ऑल द होम वॉज ओनली अ सीट इन पार्क जबकि उसका घर जो था वो पार्क में केवल एक सीट थी बट एट अ वेरी क्वाइट कॉर्नर लेकिन बहुत ही शांत डहुड होम यहाँ उसका पुराना बचपन घर था थ्रू वन विंडो हे कुर्सिया सॉफ्ट लाइट एक खिड़की में से क्या कह था हूँ एक खिड़की के बीच में से उसे सॉफ्ट लाइट हल्का हल्का प्रकाश दिखाई दे रहा था दैट हैड बिन हिज़ लिविंग रूम वो उसका लिविंग रूम हुआ करता था वेरी हैड स्पेंड मैनी हैप्पी पीसफुल मोमेंट्स जहाँ उसने बहुत सारे खुशी भरे पल बिताए थे स्वीट म्यूज़िकम टू सोपी जी मधुर संगीत जो था मीठा म्यूजिक जो था वो सोपी कानों में आया एंड सेम टू होल इमर और उससे क्या वो उस म्यूजिक की वजह से ऐसा लग रहा था जैसे कि उस म्यूजिक ने उसे वहाँ पर रोक दिया था द मून वाजह वह चाँद ऊपर चांद था एंड पीसफुल एंड ब्राइट शांत था और चमकदार था चमकीला था देर फ्यू पीपल पासिस वहाँ कुछ बहुत ही कम लोग वहाँ से जा रहे थे गुजर रहे थे ही गुड हेयर बर्ड्स हाई अब हे वो ऊपर आकाश में पक्षियों की चाह जो थी उसे सुन सकता था क्योंकि उसे सुनाई दे रही थी एंड द म्यूजिक दर केम फ्रॉम द रूम हैड सोपी देअर और जो संगीत था ठीक है उस कमरे से आने वाले जो म्यूजिक था उसने सोपी को वहीं रोक दिया था फूल ही एट नॉन इट वेल लॉन्ग ए गो क्योंकि वह बहुत पहले से ही इस म्यूजिक को पहचानता था इन दोस्त डेज उन दिनों में इज लाइफ कंटेंट सच थिंग्स एज मदर्स एंड फ्लाज एंड हाई होप्स एंड फ्रेंड्स एंड क्लीन थाट्स एंड क्लीन क्लोथ क्योंकि उस समय उसके जीवन में उन दिनों में ये सभी चीज़ें थी कौन सी चीज़ें थी वहाँ पर मदर्स अब यहाँ पर इसकी माता फ्लाज एंड हाई होप्स फूल थे ऊंची आशाएं थी उसकी फ्रेंड्स थे और साफ विचार और साफ कपड़े जो थे उसके पास हुआ करते थे वाज अ सडन एंड वंडरफुल चेंज इन सोल अब उसके आत्मा में एक अचानक एक अद्भुत वंडरफुल चेंज आया he saw with sick fear हाउ ही हैड फॉलन उसने बहुत ही ज़्यादा डर उसने सुनकर देखा कि वो कितना गिर चुका था ही सॉ हिज वर्थलेस चेज उसने अपने वर्थलेस यानी कि जिसको को मूल्य नहीं था जिसको कीमत नहीं थी उन तीनों को देखा हिज रॉन्ग डिजायर्स उसकी गलत इच्छाएं, हिज डेड होप्स उसकी मरी हुई आशाएँ द लॉस्ट पावर ऑफ हिज माइंड और उसकी जो मानसिक शक्ति थी वो खो चुकी थी एंड आल्सो इन अ मोमेंट इज हर आंसर दिस चेंज इन ए सो और उसी क्षण में उसके दिल ने उसका जो हृदय था उसने उसके सोल में उसके आत्मा में परिवर्तन का जो चेंज हुआ था उस बदलाव का जवाब दिया ही वुड फाइट टू चेंज इस लाइफ वो अपने जीवन बदलने के लिए लड़ेगा वो दोबारा से क्या करेगा संघर्ष करेगा ही वुड बोल हिमसेल्फ आप वो स्वयं को ऊपर उठाएगा आउट ऑफ द मर्ड किचर से ऊपर ही वुड मेक अ मैन ऑफ हिमसेल्फ अगेन वह अपने आप को दोबारा से एक इंसान बनाएगा अपनी एक पहचान बनाएगा टाइम अभी समय था ही वॉज यंग एनफ एनफी जवान था

नौकरी ऑफर की थी ही वुड फाइंड दैट मैन टुमारो कल उस आदमी को ढूंढेगा ही वुड बी समी इन द वर्ल्ड वह इस दुनिया में कुछ उसकी भी कोई पहचान होगी वह भी कुछ बनेगा ही वुड हाँ जी हि बनेगा फेल्ट अ हैंड ऑन हिज आर्म तभी सोपी ने अपनी बाजू पर एक हाथ को महसूस किया ही लुक्ड क्विकली अराउंड इन टू ब्रॉड फेस ऑफ अ कॉप जैसे उस तेजी से मुड़ा उसके सामने एक चेहरा था किसका चेहरा था वो कॉप्स का पुलिस मैन का ये तो कुछ क्षेत्र में आर डूइंग हैंगिंग अराउंड बड़े तुम यहाँ बिना मतलब क्यों घूम रहे हो कॉप्स से उसे पूछता है सोपी कहता है नथिंग यू थिंक आई बिलीव दैट कॉप्स कहता है परिसमेंट कहता है क्या तुम सोचते हो कि मैं तुम पर विश्वास करूंगा फुल ऑफ इस न्यू स्ट्रेंथ अपनी पूरी नई शक्ति से भरे हुए सोपी बिगेन टू तो आर्ग्यू सोपी ने उससे बहस करनी शुरू कर दी उसे थर्क विथर्क करना शुरू कर दिया एंड इट इज नॉट वाइज टू आर्ग्यू विद न्यू यॉर्क कॉप और न्यूयॉर्क के सिपाही से पुलिसमैन से, से आर्ग्यू करना बहस करना जो है ये बुद्धिमानी नहीं होती सदको, दॉप पुलिस वालों ने कहा कि कम अलॉन्ग मैं साथ आओ थ्री मंथ्स प्रिजन ऑन ब्लैक वेल्स आईलैंड सर दस जज टू सोप यू नेक्स्ट मॉर्निंग उसका क्या परिणाम हुआ क्या रिजल्ट हुआ कि अग, उसने क्या कहा तीन महीने जेल में कहाँ पर ब्लैक वेल्स या ब्लैक द्वीप पर तीन महीने की सजा किसने दी थी उसे जजनी दी थी सोपी को नेक्स्ट मॉर्निंग जो सोपी को चाहिए था वो उसे मिल गया था लेकिन इस समय सोपी जो था वो अपने आप को चेंज करना चाहता था लेकिन फिर भी वो चेंज नहीं कर पाया अपने आप को और वापस से जब उसको चीज़ चाहिए थी तब उसे नहीं मिली और अब उसे नहीं चाहिए थी तो उसे प्रिजन में जाना पड़ा सो जो स्टूडेंट्स आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टैंड दिस लेसन वेरी वेल डू लाइक शेयर एंड SUBSCRIBE MY YOUTUBE CHANNEL STUDIO THANK YOU.